नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं। दोस्तों मैंने बोया का एक ये प्रोडक्ट बाय करा है जो आपके सामने यहां नज़र आ रहा होगा। दोस्तों ये बोया बाय MM1 ये माइक मैंने बाय करा है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के जरिए। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं चाहे फ्लिपकार्ट से करें चाहे अमेजोन से करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट मैंने किस प्राइस के बिहाफ पर इंडिया में बाय करा है, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप जानोगे। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके भी आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसे बाय करने की सोच रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप जरूर बाय कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एक बार आप कंप्लीटली जरूर देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सकें, कुछ नया जान सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो आज हम इसकी वीडियो रियल में मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में आप जानोगे। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया देख सकें। उसके लिए ये इस प्रोडक्ट की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानोगे जो कि बोया का बोया बाई MM1 ये माइक है। यह मैंने फ्लिपकार्ट से बाय करा है, आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा होगा। दोस्तों इसकी चारों तरफ से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ से इसकी ब्रांडिंग जो फ्लिपकार्ट की यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ इस टाइप से इसकी पैकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वह कुछ इस टाइप से यहाँ पर रहेगा। चलिए इस जो पॉलिथीन के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है इसको इस टाइप से यहाँ से निकाल लें। आप जैसे भी चाहें आप इसको फाड़ें, जो भी करें, इच्छा आपकी है, आप जैसे भी निकालना चाहें क्योंकि प्रोडक्ट आपका है, आप बढ़िया निकालेंगे। अगर आपको रिटर्न करना है तो उस स्थिति में रिटर्न होने में दिक्कत ना आए, इसलिए इसकी पैकिंग आप जरिया हिसाब से निकालें। निकालने के बाद इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जो मेन प्रोडक्ट, जो मेन कंपोनेंट है वो ये है। यहाँ पर इसकी बिलिंग आपको जो देखने को मिलती है कुछ स्टेप से यहाँ पर इसकी बिलिंग आपके सामने यहाँ नजर आ रही है। ये प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है ये 1739 रुपये का प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसे मैंने फ्लिपकार्ट से बाय करा है, मैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपके सामने यहाँ पर ये नज़र आएगा। इसके फीचर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका नेम यहाँ से देख सकते हैं, इसकी ब्रांडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आजकल क्या है कि बोया के काफ़ी प्रोडक्ट फेक भी आते हैं, तो एक बार आप इसको इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या फिर फेक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट फेक आता है या फिर जो लोकल क्वालिटी का आता है तो उसे आप रिटर्न कर दें या रिप्लेस कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी यूज़र मैनुअल्स आपको देखने को मिल जाती है। ये यूज़र मैनुअल्स, ये वारंटी कार्ड्स, और आप इनका यूज़ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, एक तरफ इनको रख देते हैं। चलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे सामने आता है उसमें यहाँ पर आपको ये दो केबल्स आपके सामने यहाँ देखने को मिलती है। एक ये जो केबल्स आपके सामने यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पर ये फ़ोन वाली केबल्स आपको देखने को मिलेगी। देखिए जो ये केबल्स आप यहाँ पर मेरे हाथ में हैं, ये फ़ोन वाला साइन आपके सामने यहाँ बना हुआ है, यानी फ़ोन वाली केबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो दूसरे वाली केबल्स आपको देखने को मिलती है ये DSLR कैमरास की केबल्स है। इसको यहाँ पर ये माउंट देखने को मिलता है, कैमरा जो माउंट है ये माइक माउंट, और माइक माउंट यहाँ पर ये आपके सामने माइक देखने को मिल जाता है जो कुछ इस टाइप का है। इसके अंदर ये कैमरास से इस प्रकार से इसे आप माउंट कर लें। देखिए यहाँ पर माउंट करने का सिंपल स्टेप है, इस पर जाएँ डायरेक्टली, यहाँ से इसे आप टाइप से यहां पर प्रेस करके ये माउंट होगा। देखिए इस टाइप से ये माउंट हो चुका है दोस्तों। इसके सामने जो आपके सामने यहां पर जो विंड आया था इसका विंड फिल्टर आपको लगाना होगा पीछे की तरफ। आप इसे किस टाइप से भी यहां पर यूज करना चाहते हैं ये लगा सकते हैं।
इस टाइप से ये लग गया। लगने के बाद दोस्तों आपके पास ये अपने कैमराज में लग जाएगा और यहाँ से इसे आप ढीला करके उसके अंदर लगा लें, जो इंस्टॉलेशन वीडियो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगी। इस टाइप से इसका विंड फिल्टर आप लगाते हैं और कुछ इस टाइप से ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने जो कैमरा है आपका DSLR है उसके अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो आपकी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी तो उस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं कैमरा साइंस आपके सामने यहां नजर आ जाता है, यानी कि इस केबल को हम साइन कैमरास में यूज करेंगे और इस केबल को हम अपने स्मार्टफोन में यूज करेंगे। तो इसका जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं और इस टाइप से इसको लगाकर और जो दूसरे वाला ये सेक्शन होता है इसको अपने मोबाइल में लगाना है और आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कैसा है, अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।